पनौती के नारे लगा रही है। चलिए इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। जो पहले पप्पू चिल्लाते थे, अब वही जनता पनौती चिल्ला रहे हैं। सबसे पहले तो अंकल जी को बता दूं, ये राहुल गांधी जी को तो पप्पू जो बनाया है, इनके परिवार के लोगों ने ही बनाया है, कांग्रेस ने ही बनाया है। अंकल जी ने ठीक बोले, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस चिढ़ती क्यों है? पप्पू कहते हैं तो ठीक है, अच्छा नाम है पप्पू कहते हैं, लेकिन नाम से अच्छा नहीं होता ना, काम से भी अच्छा होता है। अब मैच हुआ पाकिस्तान के साथ, हाँ। पाकिस्तान को हरा दिया, हाँ। तब तो वो पनौती नहीं था, हाँ। आपको खेल को खेल के जगह रहने दीजिए, हाँ। इसमें ये राजनीतिकरण बोल रहा है। मैं ये कहूंगा कि इंडिया 1983 में जीता, हाँ। और 2011 में जीता है, हाँ। और इसके बीच में कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं, हाँ। और कौन कौन देखने गए हैं मैच, हाँ। और कब कब इंडिया हारी है, हाँ। तब सबको पनौती बोल देंगे अंकल जी, हाँ। कर दे रहे हैं, हाँ। आप ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ। अब भारत के जो चीजें हैं उसको विदेश में जाके बुराई करने की क्या आवश्यकता है? किसी नेता को अपने देश की छवि को बाहर में खराब करने की क्या आवश्यकता है? राहुल गांधी बोले थे बाहर में, ये बोल रहे हैं चाइना की चीजें, ये बच्चे भी चाइना से आएंगे, इंडिया के बच्चे इंडिया में ही रहेंगे तो इंडिया की चीज चलाएंगे। तो वो कोविन है, हाँ, वो भारत का है। यह बात भी आपको नोट करनी चाहिए, दो वैक्सीन है, दो वैक्सीन। इंडिया में कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनको डबल डोज लग चुकी, उसके बाद में भी उनकी मृत्यु हुई है। राजनीति नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुस्तान की बातें करो, ये फर्जी वाली बातें मत करो, ऐसी मत करो, इसीलिए ना करे थे। ये पोस्टर लेके घूम रहे ना, यही है, यही इनका ये टाइटल है जो लिखा है उसमें पप्पू, इसीलिए उस चीज को पप्पू ही कहते हैं। इसीलिए वर्षों पहले से इंडिया के हिंदू घरों में जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो माँ बाप लाड़ से उसका नाम पप्पू रखते थे। आज अगर 140 करोड़ की जनसंख्या में सर्वे किया जाए तो 15 करोड़ से ज्यादा लोग निकलेंगे जिनका नाम पप्पू है, और उसमें से कई तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, आईएएस है और आरएएस अफसर है। मतलब पप्पू एक पॉजिटिव नाम है, मगर आज बीजेपी और मोदी ने उसको एक नेगेटिव करके देश के अंदर बदनाम कर दिया। आज लोग पप्पू का मतलब समझते हैं ना समझ, मूर्ख, और मतलब ये भोला आदमी, ना समझ आदमी, मूर्ख आदमी, ये पप्पू का अर्थ लोग ये समझते हैं। अरे आपने जो शब्द नाउन था उसको आपने एडजेक्टिव बना दिया, और वो भी मतलब वो भी नेगेटिव करके। चलिए आपने पप्पू का मतलब बता दिया, हाँ, पनौती का मतलब क्या होता है? अब वैसे देखा जाए तो पनौती शब्द एक अंधविश्वासी शब्द है, और मैं कहता हूँ किसी भी व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, मगर एक बात सत्य है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और इंसान जैसा कर्म करता है भगवान उसको वैसे फल देता है। जब मोदी जी को उन करोड़ों लोगों की हाय लगी जिनका नाम पप्पू था, तो फिर ईश्वर ने यह निर्णय लिया, उसका जवाब दिया ईश्वर ने उनको पनौती बना के। इसको किसी ने नहीं बनाया, राहुल गांधी ने नहीं बनाया इसको ईश्वर का ये निर्णय था मोदी को पनौती बनाने का, और इसका जवाब दिया देश की जनता ने। वो लाखों करोड़ों की जनता जो किसी समय मोदी 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 के नारे लगाती थी, वही जनता अब पनौती पनौती के नारे लगा रही है। चलिए इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। जो पहले पप्पू चिल्लाते थे, अब वही जनता पनौती पनौती चिल्ला रहे हैं। पहले तो अंकल जी को बता दूं, ये राहुल गांधी जी को तो पप्पू जो बनाया है, इनके परिवार के लोगों ने ही बनाया है, कांग्रेस ने ही बनाया है। अंकल जी ने ठीक बोले, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस चिढ़ती क्यों है? पप्पू कहते हैं तो ठीक है, अच्छा नाम है पप्पू कहते हैं, लेकिन नाम से अच्छा नहीं होता ना, काम से भी अच्छा होता है। आप सोच सकते हैं एक गरीब परिवार में जन्म लेके और प्रधानमंत्री तक का सफर कैसा रहा होगा, और ये हमारे लाडले शहजादे जो भी कह लीजिए, अब उनके बारे में जिनने कहा है, मैं राहुल गांधी बारे में नहीं कह रहा हूँ, जिनने मोदी जी को पनौती कहा है, मैं उनको कहता हूँ, लुंगी को धोती कहता है और राजनीति को बपोती कहता है, अपने गिरेवान कभी नहीं झांकता। लुंगी को धोती कहता है, राजनीति को बपोती कहता है, अपना गिरेवान कभी नहीं झांकता, और प्रधानमंत्री साहब को ये पनौती कहता है। चलिए इन्होंने जो लाइन कही है उस पर एक सवाल आपसे मेरा होगा, प्रधानमंत्री, सबसे पहले मेरा सवाल सुन लीजिए आप, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल करना कितना सही कितना गलत आपके नजर? आप सबसे पहले तो यह ध्यान देने की जरूरत है इस पनौती शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई। पनौती शब्द की उत्पत्ति एक क्रिकेट स्टेडियम में हुई, और वह क्रिकेट स्टेडियम जिसका पहले नाम हुआ करता था सरदार पटेल स्टेडियम,
उस स्टेडियम का नाम एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति ने उस स्टेडियम का नाम हटा करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। उसी समय पनौती लग गई उस स्टेडियम में। आज तक राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अपनी बीवी को छोड़ दिया, वो मोदी है, ठीक है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति जीते जी अपने नाम स्टेडियम का नाम रख दे। अब उसके बाद में वह व्यक्ति फाइनल करवाने का निर्णय उस स्टेडियम में लेता है जिस स्टेडियम की जिस नहीं फैसला आईसीसी और बीसीसीआई ने लिया है, ना कि प्रधानमंत्री। बीसीसीआई का मालिक कौन है? बीसीसीआई का मालिक जैसा है। बीसीसीआई का मालिक कोई नहीं होता, अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष जो भी है वो जैसा है, और जैसा जो है अमित शाह का बेटा है उसको सारे अधिकार है। आप क्या सोचते हो अहमदाबाद? अगर एक बात सोचिए आप, अगर इंडिया के जो खिलाड़ियों का जो टैलेंट है, अगर इंडिया के खिलाड़ियों की अगर इच्छा पूछी जाती तो वह अहमदाबाद के बजाय मुंबई का वानखेड़ा स्टेडियम चुनते। अच्छा, फिर ये सवाल आपको आईसीसी से भी करना चाहिए जो कि क्रिकेट कंडक्ट करवाता है। जब मैच हुआ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को हरा दिया, तब तो वो पनौती नहीं था। आप खेल को खेल के जगह पे रहने दीजिए। इसमें ये राजनीतिकरण बोल रहा है। मैं ये कहूंगा कि इंडिया 1983 में जीता है और 2011 में जीता है, और इसके बीच में कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं और कौन कौन देखने गए हैं मैच, और कब कब इंडिया हारी है, तब सबको पनौती बोल देंगे अंकल जी। उतना डीप में जाएंगे तो बोलना ही पड़ेगा। आप क्या बोलना चाह रहे हैं भाई साहब? आप बोलते प्रधानमंत्री को पनौती नहीं बोलना, हम बोलते गलत, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या क्या बोलते वो अच्छा लगता है मुझे बता दो। तो फिर आप उनको ही तो बोलो ना, आप उनको कोट क्यों नहीं करते हो? अब मैं कह रहा हूं, आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं करता हूं? मैं कोट करता हूं। प्रधानमंत्री मूर्खों का सरदार, कांग्रेस की कब्र खोद दो, ये अच्छा लगता है? कांग्रेस की कमर खोद दो, कांग्रेस ने भी बहुत कुछ बोलती है। ये तो पार्टी, देखिए आरोप 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 ये लगती रहती है। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत ये तो आपको नहीं, ये पार्टी और व्यक्ति विशेष में अंतर होता है। पार्टी की तरफ से दिया गया बयान पार्टी की होती है, व्यक्ति विशेष का दिया गया बयान व्यक्ति विशेष को बोलते हैं। मूर्खों का सरदार, मोदी जी ने नहीं बोला? अरे यार, पूरा मीडिया भरा पड़ा कर दे रहे हैं। आप ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब भारत के जो चीजें हैं उसको विदेश में जाके बुराई करने की क्या आवश्यकता है? किसी नेता को अपने देश की छवि को बाहर में खराब करने की क्या आवश्यकता है? राहुल गांधी बोले थे बाहर, ये बोल रहे हैं चाइना की चीज है, ये बच्चे भी चाइना से आएंगे? इंडिया के बच्चे इंडिया में ही रहेंगे तो इंडिया की चीज चलाएंगे, चाइना कहाँ से आ गया? मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया कहते हैं। कह देंगे भैया ये तो चाइना के बच्चे आ गए। अच्छा, फिर आपके हिसाब से वैक्सीन भी चाइना का होगा? ये भी मानना पड़ेगा। वैक्सीन के मामले में तो ये देश में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। मैंने आज तक कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है, नहीं लगवाई है। मेरे को आज तक 40 साल हो गए, कभी मैंने सर्दी खांसी बुखार जुकाम मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा मैंने। और मैंने वैक्सीन के टाइम पे कांग्रेस जो है ना वो मत पता नहीं कहाँ पे थी, उसका नाम नहीं दिखा, और मोदी चल रहा था, मोदी मेहनत कर रहा था। जो कोई आपने वैक्सीन को सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा बता के जानते हैं क्या किए हैं? जितने भी वैज्ञानिक उसको बनाने में लगे थे ना, उनका अपमान आपने करा। ऐसा है कि जो व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी, जिनकी जो व्यक्ति नेचुरल लाइफ नहीं जीता, जो नेचुरल लाइफ नहीं जीता और जिसकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक कमजोर है, उस व्यक्ति को एलोपैथिक दवाएं और वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। जो व्यक्ति योगा और नेचुरल लाइफ जीता है उसको वैक्सीन की जरूरत। योगा को बढ़ावा भारत में किसने दिया? सर मेरी बात सुनिए, सर कुछ नहीं जानते। योगा सनातन काल से चला आ रहा है, योगा सनातन काल से चला आ रहा है, और ये अपन कहते हैं हम बस बढ़ावा पूछे, चला आ रहा का बात नहीं, बढ़ावा बाबा रामदेव ने दिया। हाँ हाँ, वैक्सीन को भी गलत कर दिया इन्होंने तो, मतलब कि आज एक कांग्रेस यहाँ से ऐसे आज तक वैक्सीन का नहीं हो पाता हिंदुस्तान को, और फ्री ऑफ कॉस्ट में हर कोई वैक्सीन को मिला है।
मतलब इनके लिए ये अंकल मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ, पूरे विश्व में सबसे कारगर अगर कोई वैक्सीन है तो वो कोविन है। यह बात भी आपको नोट करनी चाहिए। इंडिया में कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनको डबल डोज लग चुकी उसके बाद में भी उनकी मृत्यु हुई है। राजनीति नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुस्तान की बातें करो, ये फर्जी वाली बातें मत करो, ऐसी मत करो। इसीलिए ना करे तो अब ये पोस्टर लेके घूम रहे ना, यही है, यही इनका ये टाइटल है जो लिखा है उसमें पप्पू, इसीलिए उस चीज को पप्पू ही कहते हैं, इसीलिए इसी उसका नक्शा ही पप्पू बना दिया इन्होंने। वैक्सीन को फर्जी बता रहे आ रहे हैं ईश्वर, जो कहा बताता हूँ 70 साल में लगभग 56 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो अब आगे बीजेपी की सरकार रहेगी 56 साल, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होगा। मैं बताऊँ बात, देखो मैं बता रहा हूँ, भारत में भारत का मोदी रहेगा ना कि इटली का, ये साफ बात है। और दूसरी बात, सर को वो चाहिए, नहीं 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 सर, सर सर को, सर को वो चाहिए जो कि हमारे जो खेत है उनमें टायर लग जाए, फर्श हो जाए, उसमें सब्जी उगाई जाए, सर को वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बात ये है, आलू डालो बिल्कुल बिल्कुल। अब इनको क्या है कि कोई भी कोई होगी नहीं। चलिए आपके आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार, आखिरी सवाल है आपसे। आखिरी सवाल है मेरी तरफ से, मोदी मोदी मोदी। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं 24 में, आने वाले 2024 में कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए पर मोदी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इसका अस्तित्व देश में है। मतलब आपका विरोध मोदी से है, तो इनका कोई इलेक्शन में कोई ऐसे अपने दम पे सिंगल पार्टी चाहे कोई भी पार्टी बन के दिखा दे, इनका नहीं है। सारे ग्रुप है, ये पूरे विपक्षी पार्टी की है कि मतलब ये है कि मतलब प्रधानमंत्री कोई बन जाए, विदेश से आ जाए, लंदन से आ जाए, लेकिन मोदी ना बने, ये पूरे विपक्ष कहती है। अब बताओ किसको बनाएंगे, वो लाते नहीं है। बड़ी बात भैया, वो कितने गए अभी, कोई भी बन जाए मोदी ना बने, ना बने मतलब मुझे नहीं बनने, सोच मानसिकता कैसी है। नहीं नहीं नहीं, मोदी बने यार, इनके पास क्वेश्चन इसकी मानसिकता कैसी है। चलिए इधर आ जाइए, ये मोदी के आदमी है, आप किन के आदमी है? मैं तो किसी का भी नहीं हूँ। फिर आप इनको कैसे बोल दिए मोदी का आदमी है, इल्जाम कैसे लगा दिया? नहीं इनसे पूछो, आ गए ना इनसे पूछो, प्रधानमंत्री बनाए किसको बनाए? आप किनके आदमी है? हम किसी के नहीं है, किसी के नहीं है ना। चलिए तो जनता अपने आप की होती है, किसी की नहीं होती है। साल में मोदी जी के थोड़े से काम गिनवा दे, जो उन्होंने आईआईटी और आईएम बनाए ना वो गिनवा दे, हमें पता चलेगा, बुलेट ट्रेन में बैठ के हम भी देखने चले जाएंगे। मोदी जी विदेशों में जाते हैं, आप नोट कर लीजिए, 2014 के पहले सड़कें रोज 12 किलोमीटर बनती थी, आज बन रही है 37 किलोमीटर। अच्छा चलो ठीक है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, किसानों की सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना 1370, उज्ज्वला योजना, ये राम मंदिर, और तो और सबसे ज्यादा काम हुआ है वो बॉर्डर पर हुआ है। ये पूछ रहे थे एम्स कितने बने, क्या स्वास्थ्य विभाग का काम पूछ रहे थे, एम्स कितने बने, इनसे पूछ लीजिए। जो आयुष्मान जो भारत जो लॉन्च हुआ कितने लोगों का इलाज कांग्रेस की सारी नीति लागू करके क्रेडिट लेने पहुंच जाते, वर्ल्ड कप में क्रेडिट लेने पहुंच गए, पोस्टर भी छपवा दिए वर्ल्ड कप के साथ में, वर्ल्ड कप भी हरा दिया, ऐसी बनाई पहले वर्ल्ड कप में मोदी जी खेल रहे थे, वर्ल्ड कप का पोस्टर छपा हुआ है, पोस्टर मोदी जी खेल रहे थे, लेकिन अगर जीत जाती ना तो मोदी जी वर्ल्ड कप जिता देते। चलिए खेल भावना और राजनीति भावना को अलग रखिए। चलिए ये थी दिल्ली की जनता की राय 2024 चुनाव के ऊपर, कोई कह रहे थे 400 पार, कोई कह रहे थे 300 पार, किसकी बनेगी 2024 में सरकार, जनता ने किया है फैसला। वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा किसकी सरकार बनने वाली है, लोकसभा। इजाजत, कैमरा पर्सन सुरजीत के साथ विकास कुमार, द लोकसभा दिल्ली।